तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल में हम डेटा मेनू बार स्टार्ट करेंगे, हम बात करेंगे डेटा कनेक्शंस की, राइट? क्योंकि इससे पहले हमने फॉर्मुलेज किए हैं, वो फिलहाल हम फॉर्मूले को यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप करते हैं और हम बात करते हैं डेटा कनेक्शंस की। तो डेटा मेनू बार में हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से डेटा को हम कनेक्ट करेंगे, मतलब कि एक्सटर्नल डेटा से। अब क्या है कि मान लीजिए कि आपके पास अगर डेटा है, कोई सीट का डेटा है, तो जनरली डेटा को लिंक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इक्वल ब्रेस करके इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, हमारा लिंक हो जाता है, राइट? पर डेटा कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम क्या होती है, डेटा कनेक्टिविटी में अगर आप इस तरह के फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हो तो काफ़ी ज़्यादा लंबा फॉर्मूला लिस्ट बन जाता है, जिसको जिससे चल के आगे चल के आपके एक्सेल जो है काफ़ी ज़्यादा हैंग होगी, सही से परफॉर्म नहीं करेगा और इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा। तो मुझे एक फाइल को दूसरी फाइल के साथ लिंक करने हैं, और लिंक करने के लिए हम यूज करने जा रहे हैं एक्सटर्नल डेटा सोर्स। मैं एक बार एक्सेल को ओपन करता हूं, मैंने यहां से हम ओपन किया, अब यहां डेटा मेनू बार में हमारे पास कई सारे हैं, जैसे कि गेट डेटा, यहां पे क्लिक कीजिए, ये अलग अलग है लेकिन गेट डेटा पे क्लिक करेंगे तो सही रहेगा। अब यहां पे आता है फ्रॉम फाइल, फ्रॉम फाइल मतलब कि कोई एक्सेल वर्कबुक से डेटा को इंपोर्ट करना चाहते हैं एक्सेल टू एक्सेल, तो फ्रॉम फाइल पे आप क्लिक कीजिए। उसके बाद जो डेटा जिसके साथ आप लिंक करना चाहते हैं उस डेटा को क्लिक कीजिए एंड इंपोर्ट कीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा कि एक सीट में किसी एक ही सीट का डेटा इंपोर्ट हो सकती है, इसका भी आप लोग ख्याल रखिएगा कि एक सीट में किसी एक सीट का ही डेटा इंपोर्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैं अपना सीट सेलेक्ट कर लेता हूँ जिस सीट पे मेरा डेटा है, हालांकि और भी जो सारे सीट्स हैं तो ये सारे सीट इंपैक्टेड है, ये हमारा सीट वन। जो सीट सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपके पास लोड का ऑप्शन आता है, और भी गेट ट्रांसफॉर्म भी है, इसके बारे में हम आगे जिक्र करेंगे। फिलहाल हम लोड पे आते हैं और लोड पे क्लिक करते हैं, और ये डेटा आपका यहाँ से इंपोर्ट हो गया। ओके, इसी तरह से आप कोई भी डेटा, जैसे कि आपके पास अगर मान लीजिए कि नोट पैड की डेटा है, एक्सेल का था तो इसमें अलग है, फॉर्म फाइल में मुझे नोट पैड की डेटा है तो मैं नोट पैड की डेटा को भी इंपोर्ट कर सकता हूँ। अब यहां पे क्या होता है, जब नोट पैड की डेटा यहां पे आता है तो आपको यहां पे बताता है कि कॉलम की सेपरेशन, कॉलम का सेपरेशन क्या है। तो यहां पे मेरा टैब है, मतलब कि दो कॉलम के बीच में टैब का गैप है। यहां पे आप चेंज भी कर सकते हो, इसने बाय डिफॉल्ट रीड कर लिया है टैब, मतलब अदरवाइज आप इसको चेंज भी कर सकते हो। हमने इसको सेलेक्ट किया और यहां हमने नोट पे क्लिक कर दिया, ये हमारा नोट पैड का डेटा कनेक्टिविटी आ जाता है। तो नोटपैड से डेटा ले लिया आपने, उसी तरह से आप अगर आपके पास अगर इसका डेटा है,
डेटाबेस, इसमें एक्सएमएल का जेसन है या कोई फोल्डर लिस्ट, मतलब कि एक पर्टिकुलर फोल्डर में कितने नंबर ऑफ फाइल है, वो भी आप मल्टीपल से फाइल्स की पूरी लिस्ट चाहिए, तो यहाँ पे आप फ्रॉम फोल्डर पे क्लिक कर दें और यहाँ पे आप अपना फोल्डर को सिलेक्ट कर ले एंड ओके एंड ओके। इस फोल्डर में जितने भी फाइल होंगे उस फाइल की एक लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पर मैंने इसको लोड कर दिया या कंबाइन भी कर सकते हैं अब यहाँ पे कंबाइन एंड लोड। अब कंबाइन एंड लोड को एक बार एक ध्यान से देखिए क्या होता है, एक मैं इसको अलग दिखाता हूँ, चाहिए इसको ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं एक नया एक्सेल फाइल बनाता हूँ फिर बताता हूँ कंबाइन एंड लोड क्या है। नेम और यहाँ पे सेल्स है, इसको मैं सेव कर देता हूं एक फोल्डर में। मैं उस लोकेशन पे जाता हूँ इस फाइल को मैं कॉपी करता हूँ, तीन चार कॉपी करता हूँ। अब मैं यहां पे आता हूं और यहां पे फ्रॉम डेटा फोल्डर और यहां पे मैं फोल्डर का पास लेता हूं फाइल है यहाँ पे कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म डेटा कंबाइन एंड लोड पे क्लिक करता हूँ। तो डेटा शीट्स है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे पैरामीटर 3 है, डेटा शीट्स है, इसको लेता हूँ एंड यहाँ पे फर्स्ट फाइल सेकेंड फाइल भी डेटा है हमारा, ये आपके फाइल्स की लिस्ट है कि इसमें से कौन सा फाइल का डेटा आपको चाहिए। और इसको मैं ओके किया गया सर, जितने भी फाइल्स है सारे फाइल का डेटा यहाँ लोड हो गया ना।
तो डेटा कॉन्सोलिडेट करने का एक और, ये आपका एक और तरीका है। हम इसके लिए वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करते थे, बट वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल न करके आप एक के नीचे इस तरह से डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। समझ में आया सर आपको, कि दोबारा बताऊँ आपको मैं? कुंदन जी, जी नहीं, अगर कॉलम हेडिंग मैच नहीं करेगा दिक्कत है। ठीक है, अच्छा ट्राई करके देखिएगा, क्योंकि मैंने इसको ज़्यादा यूज नहीं किया है तो मैं इसके और ज़्यादा कमेंट में नहीं कर पाऊँगा। ठीक है सर, डेटा को इस तरह से हम आपस में कनेक्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़े इसमें। अब यहाँ पे हम डेटा में आते हैं, और डेटा में गेट डेटा में हमारे पास ये आपका ऐसे एक्सएमएल जेसन फाइल कर सकते हैं, ऐसे डेटाबेस हो गया, जैसे कि आप एसक्यूएल सर्वर से या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से या एनालिसिस सर्विस एसक्यूएल सर्विस से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, बट इसके लिए आपके पास होना चाहिए, और मुझे यहाँ तक आइडिया है कि आप इसको लगा सकते हैं। ऐसे एजुरे तो है नहीं, इसको छोड़ दीजिए। ऑनलाइन सर्विसेज जैसे फेसबुक का पूरा फ्रेंड लिस्ट लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं। अदर सोर्सेज में आपका जैसे कि किसी सीट को, एक्सेल सीट को लाना चाहते हैं या किसी वेबसाइट से लाना चाहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी मैं आपको कल की क्लास में कराऊंगा, क्यूरी जो है आपको कल की क्लास में सिखाऊंगा। तो फिलहाल क्या है कि जी आप जो डेटा को लोड करके देखिए, जो फीचर्स मैंने बताया है कि कैसे फोल्डर से कई सारे फाइल्स का डेटा एक में कलेक्ट किया जाता है, इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस आप अच्छे तरीके से करें और करके मुझे बताएं सर। मैंने भी बताया कि मैंने ज़्यादा रिसर्च नहीं किया इस पर।